एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये नाम बोलने से तुमको किसका फीलिंग आ रहा है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? बहुत खराब बात है अगर तुमको फीलिंग आ रहा नहीं है तो। फिर से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये बोलने से तुमको क्या चीज का फीलिंग आ रहा है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड। अभी भी बहुत जन को फीलिंग आया नहीं, बिकॉज माथे को बंद कर रखे हम, फीलिंग्स तो लेंगे ही नहीं। एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड, तो अभी तो लिखे क्लोज एंडेड फंड ट्रेडेड होते हैं ना ऑन द एक्सचेंज, तो यू विल हैव टू एडमिट दैट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से आपको पहला फीलिंग नाम से क्लोज एंडेड का आ रहा है कि सर ये तो क्लोज एंडेड के जैसा हो गया, बिकॉज ये ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज है। करेक्ट है? मकसद क्या है ईटीएफ का? काश एक ऐसा फंड बनाए जिसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों का प्लस शामिल हो जाए। एक ऐसा फंड बनाए जिसमें ओपन एंडेड का भी एडवांटेज और क्लोज एंडेड का भी एडवांटेज शामिल हो जाए। तो ओपन एंडेड का एडवांटेज था प्राइस इक्वल टू एनएवी, प्राइस इक्वल टू एनएवी, वो सबसे मेन एडवांटेज है कि फेयर प्राइस पे बाई सेल हो रहे हैं। क्लोज एंडेड का एडवांटेज था इट कैन बी ट्रेडेड लाइक अ शेयर, इट कैन बी ट्रेडेड लाइक अ शेयर, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल कर पाएगा। ईटीएफ का मकसद क्या है? एक ऐसा फंड जिसका प्राइस इक्वल टू एनएवी एंड विच इज ट्रेडेड लाइक अ शेयर। तो विच इज ट्रेडेड लाइक अ शेयर करने के लिए इसको लिस्टेड कर दिया एक्सचेंज ट्रेडेड, तो वो वाला पॉइंट आ गया, उसको समझाने का जरूरत नहीं है सर। इट इज एक्सचेंज ट्रेड मतलब बाजार में ट्रेड हो रहा है, तो इट कैन बी ट्रेडेड लाइक अ शेयर। पर जो चीज ट्रेडेड लाइक अ शेयर है उसका तो प्राइस एनएवी के बराबर हो सकता है? नहीं होगा, बिकॉज बाजार में जो दाम हो तो डिमांड सप्लाई से आ रहा है, क्या पता डिस्काउंट पे हो, क्या पता प्रीमियम पे हो। तो ऐसा कैसे हो पाया सर कि ये लोग इसका ट्रेडिंग चालू कर दिया बाजार में और फिर भी इसका प्राइस इक्वल टू एनएवी है? ऐसा इस तरह से हो पाया, फाइनल एक्सप्लेनेशन सुपरफिशियल है बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग द आंसर। एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं, किसको? स्पेशलिस्ट। वो स्पेशलिस्ट जो है वो आर्बिट्राज करता है बिटवीन द प्राइस एंड द एनएवी। जो भी प्राइस और एनएवी में डिफरेंस आ रहा है वो स्पेशलिस्ट बाय सेल करके दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। मैंने क्या बोला? सुपरफिशियल है, बिकॉज मैं डिप करके बता रहा नहीं हूं, मैं ऊपर से बता रहा हूं एक बार कि सर देयर इज अ स्पेशलिस्ट अपॉइंटेड, ठीक है, एंड दिस स्पेशलिस्ट कैरीज आउट आर्बिट्राज व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द एनएवी एंड ही मेक्स द प्राइस इक्वल टू एनएवी। फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम दिस इज सफिशियंट। एग्जाम में जो आप ये लिख के आ रहे हो ये सफिशियंट है, ठीक है? तो बट फॉर द पर्पस ऑफ वन ओन सेल्फ, कि नहीं सर समझ में आया आर्बिट्राज, बट आप क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली, प्लीज ठीक से समझाइए। तो ठीक से समझाने के लिए, इंडिया में बहुत पॉपुलर है गोल्ड ईटीएफ। कौन सा? गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन, एज इन जब भी बाजार क्रैश करता है, जब भी सारे एसेट क्लासेस गिरते हैं तो गोल्ड का दाम उस समय बढ़ता है, ठीक है, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेवियर। ओके, हिस्टोरिकल मैनकाइंड के टाइम से गोल्ड को वैसे माना जाता है। तो जो HNI क्लाइंट्स है या जो भी एडुकेटेड क्लाइंट है वो अपना कुछ पैसा गोल्ड में लगाने का सोचता है, नॉट एज अ ज्वेलरी बट एज अ फाइनेंशियल एसेट, ओके, विच आई लुक अपॉन एज अ सेफ एसेट। तो गोल्ड में बहुत जन अपना पैसा लगाना चाहते हैं। अब गोल्ड में पैसा लगाने का तो तीन तरीका है, या तो आप गोल्ड खरीद के रखो घर पे, गोल्ड बार्स, विच इज नंबर वन वेरी कम्बरसम, एंड नंबर टू इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और बिग अमाउंट ऑफ मनी। बिग अमाउंट ऑफ मनी, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल इन्वेस्टर्स ओवर हियर, ठीक है, जिसको 500 रुपया 200 रुपया हर महीना सेव करना है, वो गोल्ड कैसे बाई करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया, कोई गोल्ड माइनिंग कंपनी अगर है, गोल्ड माइनिंग कंपनी, उसका शेयर बाई कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड माइनिंग कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा अगर गोल्ड का दाम बढ़ेगा। वैसा कोई कंपनी इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, ओके, देयर इज नो गोल्ड माइनिंग कंपनी विच इज लिस्टेड इन इंडिया, वो भी गया। ज्वेलरी कंपनीज का बात नहीं करें यहां पे, कि पीसी ज्वेलर्स, ठीक है, इट इज नॉट अ गोल्ड माइनिंग कंपनी, और उसका भी शेयर का दाम कैसे ऊपर नीचे भागता है सबको पता है, कि माने व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इट शोज, व्हाटएवर। तो गोल्ड माइनिंग कंपनी इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, दोनों तरीका गया। तो जो तीसरा तरीका है वो है गोल्ड ETF बाई कर लो, गोल्ड ETF बेस्ट है, ठीक है, जिसको 200 रुपया लगाना है 500 रुपया लगाना है बेस्ट है। सबका 200 200 200 तो गया और फंड के पास गया, फंड उससे गोल्ड बाई किया, ठीक है, फंड गोल्ड बाई किया। तो ये इजी तरीका है गोल्ड में एक्सपोज करने का, गोल्ड ETF। नाउ आई एम द फंड, आप लोगों ने पैसा लगाया, पैसा आया, मैंने गोल्ड ETF मैंने गोल्ड खरीद लिया। अब वो गोल्ड अपने कस्टोडियन के पास रखते हैं, किसके पास? कस्टोडियन, इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड माने वन यूनिट विल बी इक्वल टू सर्टेन आउंस ऑफ गोल्ड, वन यूनिट विल बी इक्वल टू सर्टेन आउंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, पॉइंट समथिंग आउंस ऑफ गोल्ड। तो इन दैट केस जितना गोल्ड खरीद के रखे, ठीक है, और कितना यूनिट्स इशू किए थे,
तो गोल्ड डिवाइड बाय यूनिट्स, अपने को पता है कि हाँ भाई एक यूनिट मैंने कितना गोल्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो ईटीएफ है तो ये तो बाजार में ट्रेडेड है, तो बाजार में इसका प्राइस चल रहा है, और प्राइस होना क्या चाहिए, जितना गोल्ड रखा हुआ है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वही तो एनएवी है, उसके बराबर होना चाहिए। तो अब दो तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक वो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है तो वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाई सेल बाई सेल कर रहे हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स की बाई सेल करने से प्राइस जो है वो एक पैसा भी मूव नहीं करता होगा, बिकॉज एक पैसा का भी तो स्प्लिटअप होता है, और छोटा पैसा, मतलब स्मॉल इन्वेस्टर का कोई औकात नहीं है प्राइस हिलाने का। तो व्हेन दे बाई सेल द प्राइस डजेंट मूव एट ऑल, इट हार्डली मूव्स, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस एनएवी के दूर जाएगा नहीं, माने स्मॉल इन्वेस्टर्स के कारण प्राइस एनएवी के दूर नहीं जा सकता है, लार्ज इन्वेस्टर्स के कारण जा सकता है। लार्ज इन्वेस्टर्स ओके, जिन लोगों को 5 करोड़ 50 करोड़ का भी रिडेम्पशन चाहिए, तुमको 50 करोड़ का भी रिडेम्पशन लेना है, मतलब तुमने यूनिट्स लेके आ गया और तुम बोल रहा है यूनिट्स लो मेरे को पैसा दो। अब वो अगर बेचेगा ना, वो अगर बेचेगा तो प्राइस बहुत जोर से गिरेगा और प्राइस एनएवी के नीचे हो सकता है, समझे। तो इन दैट केस लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए बोला गया है कि नहीं, आपको बाजार में वहां नहीं सेल करना है, आप स्पेशलिस्ट को बेचोगे। किसको? स्पेशलिस्ट को, यानी कि इफ यू आर अ बिग इन्वेस्टर यू विल सेल इट टू द स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट आपका यूनिट्स लिया, स्पेशलिस्ट आपका यूनिट्स लिया, यूनिट्स लेके आपको पैसा नहीं देगा, यूनिट्स लेके वो यूनिट्स को कस्टोडियन को देगा। किसको? कस्टोडियन को। कस्टोडियन उसके बदले गोल्ड देगा, क्या देगा? गोल्ड। और गोल्ड उसको देंगे जो इन्वेस्टर, लार्ज इन्वेस्टर, उसको गोल्ड वापस मिलेगा, यानी इन काइंड रिडेम्पशन है। क्या रिडेम्पशन? इन काइंड रिडेम्पशन। तो वी हैव इन काइंड क्रिएशन एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ ईटीएफ। क्रिएशन का बात कर ले, बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ गया खरीदने, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर खरीदने आ गया 50 करोड़ का, वो खरीदेगा तो दाम तो बढ़ जाएगा पर प्राइस एनएवी के ऊपर हो जाएगा। तो इन दैट केस वो स्पेशलिस्ट के पास आएगा, वो स्पेशलिस्ट को पैसा देगा, क्या देगा? पैसा, 50 करोड़ दो। स्पेशलिस्ट उस 50 करोड़ से गोल्ड खरीदेगा, क्या खरीदेगा? गोल्ड। वो गोल्ड वो कस्टोडियन को देगा, किसको देगा? कस्टोडियन को। और कस्टोडियन उसके बदले क्या रिलीज करेगा? यूनिट्स। वो यूनिट्स अपने इन्वेस्टर को देंगे, यानी म्यूचुअल फंड के लेवल पे, कस्टोडियन के लेवल पे पैसा आ रहा जा रहा नहीं है। तुम देख रहे, कस्टोडियन के लेवल पे पैसा आ रहा भी नहीं है, जा रहा भी नहीं है। गोल्ड आ रहा है, गोल्ड जा रहा है, गोल्ड आ रहा है, गोल्ड जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटी विच द स्पेशलिस्ट कैरीज आउट फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग दैट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? एनएवी, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल टू एनएवी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलिस्ट। इससे और एक पॉइंट क्लियर होता है क्या, अगर ओपन एंडेड फंड है, कौन सा? ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में तो आप पैसा खिड़की पे जाके मांगते हो, तो अगर आपके पास जोर का यूनिट्स है, 50 करोड़ यूनिट्स है, और आप जाके पैसा मांगे, अब क्या होगा ओपन एंडेड में? ओपन एंडेड को तो कैश देना है काउंटर पे, तुम अपना यूनिट्स बांट का पैसा मांग रहे हैं, हमको कैश देना है, यहां गोल्ड देने से नहीं चलेगा। तो मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, मैं तो 5-7 करोड़ लेके बैठा हूं। अगर आप बहुत ज्यादा लाइन लग गया लोगों का रिडेम्पशन लेने के लिए, तो फंड को अपना सिक्योरिटीज बेचना पड़ता है, फंड को अपना सिक्योरिटीज बेचना पड़ता है, और वो सिक्योरिटीज बेच के पैसा देना पड़ता है। अगर वो सिक्योरिटीज कैपिटल गेन में चल रहा है, किस पे चल रहा है? कैपिटल गेन, तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स लगा, वो टैक्स बेचारे बाकी के लोग बियर कर रहे हैं जो लोग निकले नहीं, माने इस इंसान के कारण ये जो आया पैसा लेने, फालतू फंड को बेचना पड़ा, और बेचना पड़ा तो कैपिटल गेन टैक्स लगा, वो टैक्स बाकी लोग को सहना पड़ा। ओपन एंडेड फंड में ये ड्रॉबैक है, ठीक है। तो कि वो जो कैश का प्रेशर के कारण बाई सेल हो रहा है, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सारा का सारा टैक्सेशन का इंपैक्ट आ जा रहा है, पर ईटीएफ में वो सब नहीं है। ईटीएफ में तो फंड गोल्ड देगा, गोल्ड लेगा, गोल्ड देगा, गोल्ड लेगा, ठीक है। इट विल नॉट सफर टैक्सेशन एंड ऑल दैट। तो ईटीएफ इज टैक्स एफिशियंट। व्हाट इज इट? टैक्स एफिशियंट। एंड ईटीएफ का प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? एनएवी, इवन आफ्टर इट इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में बोल रहा था, ये जितना भी कर लें, ऑफकोर्स मैं ठीक से लिखा भी दूंगा, बट लिखाने के बावजूद वो 10/10 सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, अनलेस एंड अंटिल यू सी इट हैपनिंग ऑन एन ऑपरेशनल बेसिस, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट असाइनमेंट या इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल बी ऑडिटिंग ईटीएफ का, इसका, उसका, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई योर ब्रेन्स फर्दर इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस ऑफ इट, ठीक है। तो बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन ईटीएफ, यानी फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम, ईटीएफ इज अ ओपन एंडेड फंड विच इज स्टिल लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। ETF is legally an open-ended fund because लोग पैसा फंड से मांग सकते हैं, which is listed on the exchange. It is an attempt to combine the advantages of both open-ended and closed-ended. What advantage? Number one, it is listed on the exchange, like closed-ended, so intraday trading possible. Number two, its price equal to NAV because of the role of specialist. Role of specialist. ठीक है। तो ETFs आर जनरली पैसिव, जनरली पैसिव, ज्यादातर पैसिव होता है, ऑल्दो कुछ एक्टिव ETF भी चालू हो गए हैं, पर ज्यादातर पैसिव होता है। और पैसिव फंड आपको पता है ज्यादा चर्निंग करता है कि कमती चर्निंग?
कमती, वो ज्यादा बाई सेल नहीं करता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम। पैसिव फंड ज्यादा फीस चार्ज करता है या कमती फीस? कमती फीस, तो फीस कम, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्लस देयर इज इन काइंड क्रिएशन एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स व्हिच रिजल्ट्स इन टैक्स एफिशिएंसी। व्हाट एफिशिएंसी? टैक्स एफिशिएंसी। ये सब बेनिफिट्स है जो डेवलप्ड मार्केट्स है ग्लोबल, यूएस, यूके वगैरह, उनमें ईटीएफ इतने सारे है ना, हमारे कोई लिमिट नहीं है, इतना सारे ईटीएफ बना दिए। मैंने बाजार में ईटीएफ ही ईटीएफ, ईटीएफ ही ईटीएफ दिखेगा, और स्मॉल इन्वेस्टर्स तो ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है। अपने इंडियन मार्केट में वो कल्ट चालू हो गए। तो इस टाइम पे, आने वाले टाइम पे ईटीएफ इज द इन थिंग, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर व्हीकल होने वाला है इन टाइम्स टू कम इवन फर्दर। ठीक है, ईटीएफ बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सचेंज ट्रेड फंड का एक फील आए, हाँ यार मेरे को उसका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो